जयपुर में टॉक रोड से शिवदासपुरा और बाड़ा पदमपुरा और उसके आसपास का इलाका राजधानी का नया बड़ा इकोनॉमिक हब बनने वाला है। जेडीए ने समूचे इलाके की करीब 2500 हेक्टेयर भूमि का लैंड यूज प्लान तैयार कर लिया है। ये इकोनॉमिक हब किस तरह बनेगा, ये रिपोर्ट देखिए। हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिवदासपुरा में बन रहे नए इकोनॉमिक हब के बारे में। अगर आप जयपुर में जेडी अप्रूव्ड प्लॉट्स या फिर कोई टाउनशिप ढूंढ रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। शिवदासपुरा की जमीन को थोड़ा टाइम तो दे दो दोस्तों, फिर देखो आपके रिटर्न्स आपके हाथ में कैसे आते हैं। टोंक रोड के पास शिवदासपुरा और बाड़ा पदमपुरा का जो एरिया है वो नए जमाने का जयपुर का इकोनॉमिक हब बनने वाला है। अच्छा, जेडीए ने ये पूरा एरिया जो कि 2500 हेक्टेयर लैंड है इसका लैंड यूज प्लान रेडी कर लिया है। आपको तो पता ही होगा कि 2004 में जो ये शिवदासपुरा वाला एरिया है, शिवदासपुरा के आसपास का एरिया है, लगभग 2000 हेक्टेयर लैंड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए अलॉट किया हुआ था। बात तो सही है लेकिन अप्रूवल नहीं मिलने की वजह से इस एयरपोर्ट के प्लान को कैंसिल कर दिया गया। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। शिवदासपुरा, चंदलाई, बाड़ा पदमपुरा आसपास के एरिया को देख के आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि बहुत सिंपल सा और जंगल वाला एरिया है, फायर बनने वाला है ये। अब जेडीए ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और रिक्रिएशनल डेवलपमेंट होगा, जिससे ये एरिया डेवलपमेंट का फुल ऑन सेंटर बन जाएगा। ये जगह सिर्फ इन्वेस्ट करने वालों के लिए नहीं है, जिनको अपना घर बनाना है या अपना ऑफिस बनाना है उनके लिए भी बहुत अच्छा एरिया है। क्या बात कर रहे हैं। शिवदासपुरा के आसपास के लगभग 20 गांव इकोनॉमिक हब के अंदर काउंट किए गए हैं, मैं लेकिन कुछ नाम आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। बरखेड़ा, गोपीरामपुरा, रायपुरा खुर्द, जयलालपुरा, शिवदासपुरा, काथावाला, बिहारीपुरा, जुझरपुरा, यार्डलीपुरा, बाड़ा पदमपुरा, बालूपुरा, नागलपुरा और धर्मपुरा, इन गांवों की जो लैंड है वो इकोनॉमिक हब के अंदर शामिल की गई है या फिर लैंड यूज के अंदर शामिल किया गया है। रुको जरा, सबर करो। चलिए मैं छोटा सा टूर करवाता हूँ आपको यहाँ के लैंड यूज प्लान का। ये जो मैं आपको लैंड यूज प्लान बता रहा हूँ ये वो 2500 हेक्टेयर लैंड है जो कि शिवदासपुरा के अंदर इकोनॉमिक हब बनने जा रही है। वो किस किस तरीके से होगा वो हम क्लियर कर रहे हैं। उस 2500 हेक्टेयर लैंड का 65.87% यानी 1639 हेक्टेयर लैंड रेजिडेंशियल यूज के लिए रखा गया है, यानी लोग अपना घर इस 65.87% के अंदर बना सकते हैं इकोनॉमिक हब के अंदर। मजा आया। 130 हेक्टेयर लैंड कॉमर्शियल के लिए रिजर्व किया गया है जो कि 2500 हेक्टेयर का लगभग 6.27% है, यानी धंधा भी यहाँ सेट हो जाएगा। वाह क्या सीन है। 369.5 हेक्टेयर लैंड इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए रिजर्व किया हुआ है जो कि नए स्टार्टअप्स और फैक्ट्रीज के लिए बेस्ट रहेगा। 145.79 हेक्टेयर लैंड वाटर बॉडीज के लिए या लो लाइंग एरियाज के लिए रहेगा, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं रहेगी ताकि नेचर और डेवलपमेंट का बैलेंस बना रहे। चल झूठा। अरे मैं ये कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, बना के थोड़ी बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें ऑलरेडी इन सबके प्रूव है मेरे पास, मैंने डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक डाली हुई है, आप खुद जाके चेक करो और वेरीफाई करके देख सकते हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपने इन इंडस्ट्रियल एरियाज का नाम सुना है, रामचंद्रपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया और प्रहलादपुरा इंडस्ट्रियल एरिया। अब चौथा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो शिवदासपुरा के पास बनने वाला है, जिसके लिए मैंने तो बताया था आपको कि ऑलरेडी लैंड रिजर्व की हुई है, कनेक्टिविटी का तो जवाब नहीं। टोंक रोड और रिंग रोड के साथ शिवदासपुरा को 200 फीट और 60 फीट के रोड से कनेक्ट किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर टॉप नॉच होने वाला है और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी प्लान तैयार है। इतना सारा बताने के बाद में भी अगर जो लोग ये सोचते हैं कि यार वहाँ तो जंगल ही है तो उनके लिए तो एक ही लाइन सूट होती है, तुमसे ना हो पाएगा। मेरी बात मानो, यहाँ पर डेवलपमेंट फुल स्पीड से होने वाला है और अच्छी बात यह है कि अभी आपको कम प्राइस में, चीप रेट में जेडी अप्रूव प्लॉट्स भी मिल जाएंगे, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा सौदा है। हाँ भाई, अगर आपको जयपुर में एक भी जेडी अप्रूव प्लॉट चाहिए तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बेस्ट डील तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, साथ में सजेशंस भी मिलेंगे कि क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए। खुशियों
की बात।